21वीं सदी में हमारे रोजमर्रा के जीवन का स्वरूप एकदम बदल गया है। मानसिक क्लेश, तनाव, काम का बोझ, इसमें से कोई ना कोई परेशानी हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं जरूर मौजूद है। हम आपके लिए लाए हैं ज्ञान और गतिविधियों की अनोखी श्रृंखला, जिसकी मदद से आपको मिलेगी शारीरिक और मानसिक शक्ति, यानी कि आप आज की जिंदगी की मुश्किलों का सामना बेहतर ढंग से कर सकेंगे। So join us and let go. ये योग की श्रृंखला हमने माननीय योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी के मार्गदर्शन से तैयार की है। योगाचार्य तिवारी जी पिछले 40 वर्षों से योगाभ्यास और उसके फायदों पर अनुशोधन करते आए हैं। योगाचार्य तिवारी जी सारे भारत में लगातार योग शिविर आयोजित करते आए हैं, जिनके जरिए सैकड़ों लोगों को योग का लाभ प्राप्त हुआ है। तो आइए उनके साथ उनके अनेक भक्तों में शामिल होकर शुरू करते हैं अपना सफर संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर योग के साथ। योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी पिछले 40 वर्षों से योगा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इन्होंने तकरीबन 150 से ज्यादा योग शिविर आयोजित किए हैं और लगातार 3 बार इन्होंने राष्ट्रीय योगा चैंपियनशिप में वेटरन ऑफ इंडिया अवार्ड भी प्राप्त किया है। योग आसनों द्वारा इन्होंने कई महान हस्तियों के रोगों का निदान किया है। इनका कहना है, जिस प्रकार दूध लेने से पहले बर्तन को साफ करना आवश्यक है, उसी प्रकार अच्छा जीवन जीने के लिए अपने शरीर और मन को रोजाना योग, ध्यान और प्राणायाम से साफ करना भी अति आवश्यक है। तो मिलिए योगाचार्य श्री अविनीश तिवारी जी से। शंख प्रच्छादन पेट की धुलाई करने का सबसे अच्छा तरीका है। शंख पेट को कहते हैं, प्रच्छादन उसकी धुलाई करना, साफ करना। इसमें 5 क्रियाएं हैं। कब्ज को दूर करने के लिए, वजन कम करने के लिए, मधुमेह को दूर करने के लिए और साथ ही तौंद कम करने के लिए, त्वचा को निखारने के लिए शंख प्रच्छादन। 5 आसनों की क्रियाएं हैं, तार आसन, तिर्यक तालासन, कटिक चक्रासन, उदार कर्णासन और तिर्यक भुजंग आसन। 5 ग्लास पहले आप गर्म पानी पीना है। पहले आप एक बर्तन में 10 से लेकर 15 ग्लास के आसपास पानी गर्म कर लें। उस गर्म पानी में आप 5 चम्मच नमक डाल दीजिए। नमक डालने के बाद में आप 2-3 ग्लास गरम गरम पानी पिए नमक का और ये 5 आसन करिए 5-5 बार। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटिक चक्रासन, उदरा कर्णासन और तिर्यक भुजंग आसन। फिर आप 2 ग्लास पानी पीजिए, फिर 5 आसन करें, फिर 2 ग्लास पानी पीजिए, फिर 5 आसन करें। इस प्रकार 2-2 ग्लास पानी पीते पीते आपको 15 से लेकर 20 ग्लास पानी पीना है। जैसे ही आप 8 ग्लास या 10 ग्लास पानी खत्म करते हैं, उस दौरान आपको लैट्रिन जाना पड़ेगा। पेट में घबराहट आपको होगी और उसके बाद जब वहां से वापस आएंगे तो महसूस करेंगे पेट आपका हल्का हो चला है। आसन, एड़ियां मिली हुई और एड़ियां ऊपर उठाते हुए दोनों हाथ के तीले को आसमान की ओर खींचना है। पेट की संपूर्ण पेशी को अंदर खींचें और आसमान की ओर खींचिए, श्वास अंदर रोककर आहिस्ता आहिस्ता हाथ को वापस लाइए। फिर दोनों हाथ की तीलियां आसमान की ओर खींचें, हाथ की कैंची बनाएं और पेट की संपूर्ण पेशियों को अंदर खींचें, एड़ियां आसमान की तरफ।
इस क्रिया को रोज 10 बार करना चाहिए। पानी पीने के बाद पेट आपका साफ होगा। ताड़ासन। जब आप दोनों हाथ की तीलियां आसमान की तरफ खींचकर श्वास को अंदर लेते हैं, उस दौरान आपके एब्डोमिनल मसल्स अंदर खींचती हैं, पेट के संपूर्ण भाग को अंदर खींचते जब ऊपर हाथ लाते हैं तो आपका पेट के भार कम होता है। कब्ज को दूर करने के लिए यह क्रिया लाभकारी है। आप नियमित 2-3 ग्लास गरम गरम पानी पीकर इस आसन को करें, पेट बढ़िया साफ होगा, वजन में कमी होगी। जिन बच्चों की ऊंचाई रुकी हुई है उनकी ऊंचाई बढ़ाने के लिए यह आसन की क्रिया लाभकारी है। तिर्यक ताड़ आसन। श्वास छोड़ते हुए संपूर्ण शरीर को दाईं तरफ ले आएं। वापिस लाइए, बाईं तरफ ले जाएं। कमर में, पीठ में आप दबाव महसूस करेंगे। यदि आपको कमर की तकलीफ हो रही है तो यह क्रिया ना करें। कमर और पेट के भार को कम करने के लिए शानदार क्रिया है। हाथ को बाजू से वापस ले आए। तिर्यक ताड़ासन। दोनों हाथ को आसमान की ओर खींच के जब दाएं बाएं तरफ आते हैं उस दौरान आपकी साइड की चर्बी कम करने के लिए लाभकारी क्रिया है। कब्ज आपकी दूर होती है, पेट साफ करने के लिए फायदेमंद क्रिया है। एनीमियासिस के प्रॉब्लम वालों के लिए क्रिया और अच्छी है, जल्दी उनको फायदा होता है। तिल्ली आपकी सामान्य होती है। हां, यदि कमर दर्द से आप पीड़ित हैं तो बैक पेन के मरीज को यह क्रिया नहीं करना है, तकलीफ बढ़ सकती है। सेजका पेन के मरीज को यह क्रिया नहीं करना है, तकलीफ बढ़ सकती है। सर्वाइकल पेन के मरीज को नहीं करना है, तकलीफ बढ़ सकती है। दोनों पैर फैलाइए, कड़ी चक्रासन, दोनों हाथ कंधे के समानांतर, बाईं तरफ घूमिए, रस्सी के समान स्पाइन को ऐठन दीजिए और पीछे घूमे, अधिकतम ट्विस्ट करिए, हाथ को वापस लाएं। दाएं हाथ बाएं कंधे पर, बाएं हाथ कमर के पीछे और घूमने का अभ्यास करिए। बाईं तरफ घूमिए, याद रखें पंजे उसी स्थान पर होना चाहिए, पंजे अपने स्थान से अलग नहीं होना चाहिए। कटी चक्र आसन। कटी कमर, उसको घुमाना चक्र के समान। जब आप स्पाइन को मरोड़ देते हैं रस्सी के समान, जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं, तो पेट के संपूर्ण फैट को खत्म करने के लिए फायदेमंद क्रिया है। पेट जड़ से आपका साफ होगा, आंतों में रुका हुआ मल आपका निष्कासित होगा। हृदय स्वस्थ करने के लिए, वजन कम करने के लिए क्रिया लाभकारी है। उदराकर्ण आसन। यानी पंजों के बल बैठकर दाएं घुटने को बाएं पैर के पंजे में स्पर्श करते हुए दूसरे पैर को पेट की ओर दबाते हैं और पीछे घूमने का अभ्यास करते हैं। कब्ज को साफ करने के लिए यह क्रिया बहुत असरदायक है। और घूमिए पीछे। शंख प्रक्षालन के 5 आसनों में
यह क्रिया है उद्रा कर्ण आसन। पहली क्रिया है ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कड़ी चक्रासन, उद्रा कर्ण आसन और पांचवी क्रिया है त्रियक भुजंग आसन की क्रिया है। त्रियक भुजंग आसन की क्रिया है हथेली और पंजों के बल खड़े होकर सामने की तरफ झुककर दाईं तरफ और बाईं तरफ आप ट्विस्ट करने का अभ्यास करिए। पांच गिलास से लेकर दस गिलास गरम गरम पानी पीने के बाद इन आसनों का अभ्यास करें। जिस दिन आप इस पर शरण करते हैं इसमें दो से ढाई घंटे के आसपास समय लगता है। उस दौरान केवल आपको खिचड़ी बाद में खाना है। शंख प्रक्षालन के एक घंटे बाद खिचड़ी आप खाएंगे। खिचड़ी में खड़ी मूंग की दाल, चावल और शुद्ध घी, थोड़ा सा नमक, जीरा, यह आपको डाल के खाना है एक घंटे बाद। दूसरी बात, एक सप्ताह तक शंख प्रक्षालन करने के बाद एक सप्ताह तक ना आपको दूध पीना है, ना आपको कोई नॉनवेज खाना है, ना ही अंडे खाना है, ना ही मिठाई खाना है। एक सप्ताह का बहुत कड़ा परहेज है शंख प्रक्षालन करने के बाद, तो निश्चित आपके मधुमेह में परिवर्तन होगा, वजन में कमी आएगी। एक सप्ताह में आपका 5 से लेकर 6 किलो तक वजन कम हो सकता है यदि आपने इस क्रिया को एक बार किया और एक सप्ताह का परहेज किया। तो स्तन प्रक्षालन वजन को कम करने के लिए, मधुमेह के लिए, दमा के मरीजों के लिए भी बहुत शुभकारी क्रिया है। हरिओम। कपाल भाति प्राणायाम। षटकर्मों में 6 कर्म आते हैं जिसमें कपाल भाति का स्थान है। इसमें जोरों से श्वास को बाहर फेंकते हैं लोहार के धोंकने के समान। साधारण श्वास को अंदर लेते हैं और जोर से श्वास को बाहर फेंकते हैं, उस दौरान पेट की संपूर्ण पेशियां अंदर खींचती हैं। कपाल भाति प्राणायाम। इसमें जोरों से श्वास को बाहर फेंकते हैं लोहार के धोंकने के समान। साधारण श्वास को अंदर लेते हैं और जोर से श्वास को बाहर फेंकते हैं, उस दौरान पेट की संपूर्ण पेशियां अंदर खींचती हैं।
पेट की तमाम पेशियों पर दबाव पड़ता है तो कब्ज आपकी दूर होती है। यदि आपको साइनस का प्रॉब्लम है, म्यूकस फॉर्मेशन यदि यहां हो चुका है, उस म्यूकस को खत्म करने के लिए भी यह क्रिया लाभकारी है। कपालभाति प्राणायाम करने से वजन में शीघ्र कमी आती है। यदि आप प्रतिदिन कपालभाति प्राणायाम का प्रयोग 50 बार से स्टार्ट करते हैं, 50 प्रति सप्ताह 100 200 500 तक करते हैं तो आपके वजन में 500 ग्राम से लेकर 5 किलो तक का फर्क एक महीने में आता है। तो वजन को नियंत्रित करने के लिए यह प्राणायाम की क्रिया लाभकारी है। दूसरी बात, कपाल मतलब स्कल होता है, भाती उसको खाली करना है। तो जब आप इस प्राणायाम का प्रयोग करते हैं तो दिमाग के तमाम तनाव कचरा आपका बाहर निकल जाता है। तो इस प्राणायाम को करते ही आपके तनाव दूर भी होते हैं।